गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और स्वागत भी आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अनिमनी कौशिक। और ये खटर पटर अंजलि मैडम कर रही हैं, तो मॉर्निंग है, टाइम आखिर सूझी हुई है, फिर भी जॉब पे तो जाना ही है ना? क्या कर रही हो? ये हमारा लंच पैक हो रहा है। नहीं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ, लंच पैक वगैरह हो रहा है, ब्रेकफास्ट भी होगा। क्या कैसे बोल रहा हूँ? तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में, चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं, ऑफिस भी जाना है हम लोगों ने, मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, तो अभी है लंच टाइम और हम अभी आए हुए बाहर। यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना? सो गए? आज तो मैं जब भी लंच टाइम होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं इनके साथ ही अंदर या फिर बाहर रहती हूँ। तो हेलो करो सुनीता मैडम। हेलो, हाय एवरीवन। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी और क्या बोलूँ। तो बाकी का इवनिंग में, तो आज है बारिश का मौसम और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है मॉर्निंग से। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है, बट तो मौसम अभी पूरा साफ नहीं हुआ है अच्छे से, पर अच्छा भी लगता है गर्मी में बारिश हो तो। और मनीष का भी ऑफिस अब रेगुलर हो गया है, वो कल से ऑफिस जा रहे डेली, और उनका फ़ोन मेरे पास है। तो वो अपने ऑफिस में कोई ब्लॉग शूट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। और इवनिंग में भी लेट हो जाता है, 6-7 बज जाते हैं, कभी टाइम मिलता है कभी टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए हमारा व्लॉग नहीं बन पाता है। और बट हाँ, टाइम निकालने से ही निकलता है मेरा तो। बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है व्लॉग बनाना, या फिर ऐसी कोई सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बनाती हूँ। और बाकी पता नहीं। अब हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है और मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस में, क्योंकि मैं ऑफिस से बाहर निकली हुई थी। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो हो गया है अभी इवनिंग और मैं रूम पे आ चुकी हूँ, और मैंने अभी कुछ नहीं किया है क्योंकि आज का खाना मेरे पति देव बनाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ कि अभी इनका रिएक्ट क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। मनी, मुझे खाना बनाने के बाद एक चीज याद आ रही है मुझे, और मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ सोच के बोलना। आटा गूंदना पड़ रहा है अभी, और पहले आपको आटा नहीं। आपको रोटी खानी है, मुझे राइस पसंद बिल्कुल भी नहीं है, मुझे रोटी अच्छी लगती है भाई। आटा सानो, तो आटा तो भाई सानना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं चावल खाती हूँ, मुझे सुबह राइस बना लिया था, आपको रोटी खाना, तो आटा साथ। तू बचा ले, बचा ले, बचा ले मेरे रब्बा, मेरी बीवी से मुझको बचा ले। देख लो, क्या देख लो, कर तो रहा हूँ भैया, और क्या करूँ। वैसे आटा गूंदने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, जब मैं बैचलर था तो मैं खुद सारा कुछ खाना में बनाता था, एवरीथिंग। आटा गूंदना हो या राइस बनाना हो, दाल बनाना हो, वेजिटेबल, कुछ भी, मतलब कपड़े धोने या झाड़ू पोछा, एवरीथिंग हम खुद करते थे। शादी के बाद अगर हम कर रहे हैं, मतलब हम दोनों जॉब कर रहे हैं और हमें ये आटा गूंदना पड़ रहा है, तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? तो प्लीज कमेंट में कोई गलत मत लिखना, कोई ना कोई गलत, क्योंकि हर एक वीडियो में थोड़ा बहुत सोच अलग अलग होती है। यस, तो मतलब कि आटा गूंदने से कोई वाइफ का गुलाम नहीं हो जाता, बीवी का गुलाम नहीं हो जाता, ये सब अपनापन है, हम दोनों के बीच में हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं मतलब कर लेता हूँ ये सब। और ये भी मतलब अभी चेंज करके ये भी ज्वाइन करेंगे किचन, ऐसा नहीं है कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता तो मैं भी आटा गूंद रहा हूँ,
आटा गूंदने के बाद में कुछ वेजिटेबल बनाएंगे, उसमें मैं इनकी हेल्प करूंगा। आलू का रायता बनाते हैं। नहीं पहनी है यार, तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो। इट्स ओके, लड़का हूँ, मतलब लड़के लड़कों ने पहना हुआ अच्छा लगा। अरे बचपन में तो नंगी घूमा करते थे इधर। आज के लिए मैं एक रेसिपी बताने वाली हूँ, आलू का रायता। ओके, तो एक्चुअली मुझे पसंद था रायता इनके हाथों से, कद्दू का रायता आप लोगों को वो बताया था मैंने पिछले वीडियो में, तो मुझे वो बहुत पसंद है। अभी मैं मतलब मैं वेजिटेबल लेने जा रहा था, कद्दू और पंपकिन और क्या कहते हैं उसे, कद्दू भी कहते हैं, मैं तो कद्दू कहता हूँ, वाटरमेलन नहीं, ठीक है ना, वो कद्दू पंपकिन कद्दू और पता नहीं कुछ कहते हैं और एक लौकी वगैरह कुछ कहते हैं, लौकी तो कहते हैं, कद्दू को ही कहते हैं, लौकी घिया कहते हैं यहाँ पे, घिया भी बोलते हैं। हाँ, तो आप लोग को मैंने बताया था वो बहुत टेस्टी लगता है, मतलब मिक्स करके बहुत आसान है रेसिपी। अगर कोई बैचलर लड़का है या कहीं जॉब कर रहा है या अकेले रहता है या कोई लड़की है वो बना करके ट्राई कर सकती है। और आज हम नई रेसिपी लाने वाले हैं, क्या, आलू का रायता। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और अगर कोई मेरी तरह मतलब आटा गूंथता है अपनी बीवी के लिए या अपने खुद के लिए तो जरूर कमेंट करके बताना भाई लोग। और तभी तो मैं भगवान को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपके हाथों में दिया। कोरोना टाइम अभी थोड़ा दूर रहो भाई, एक फीट की दूरी पर। मुझे पता है आप मेरे को ही कोरोना बोलते रहते हो। हाँ, तो बने रहिए आज के ब्लॉग में, और है ना, तब तक लिए बाय बाय, अभी आटा गूंथ रहा हूँ। अभी मेरा टाइम आ गया है रायता बनाने का, आलू का रायता। तो मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हुए हैं, और धनिया पत्ता, प्याज और हरी मिर्च इसको काट के मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद आलू को थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसमें दही देंगे। तो अभी आलू को ठंडा होने देते हैं। आलू ठंडा हो चुका है और मैं इसे मिला रही हूँ, इसमें नमक और मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें मिलाया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं। तो अब मैं इसमें दही डालने वाली हूँ, ये ठंडा हो चुका है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज बनने वाला है रायता, वो भी आलू का। तुमने पहले आलू को उबाल लिया था, है ना? हाँ, मैंने सारा कुछ बता दिया है। ओके, अब मैं इसमें दही डाल के इसे मिला रही हूँ। इसे बहुत ज्यादा आलू को मतलब एकदम मेही नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब बारीक ऐसा बारीक रहना चाहिए, टुकड़े जैसा जो होता है वो होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लगता है। और परौंठे भी बने हैं, इसमें आप क्या क्या डालने वाली है? चाट मसाला है, कुछ डाल दिया, चाट मसाला, मिर्ची, स्वाद अनुसार हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ता, इसमें थोड़ा धनिया पत्ता ही ना ज्यादा पड़ता है। ओके, बाकी ऑप्शनल है, मुझे धनिया पत्ता का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने धनिया पत्ता का यूज ज्यादा किया। तो मेरा रायता बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा ज्यादा वो नहीं है, सूखा हुआ सा, सूखा सा एकदम गीला भी थोड़ी रहता है। तो अभी मनी बताएंगे खाकर कि कैसा लगा है। क्यों मनी? एक्चुअली हम लड़कों को तो आलू पसंद होता है, मुझे तो है, ठीक है ना, आलू की जो भी वैरायटी होती है वो अच्छी लगती है। तो आलू का है तो ठीक ही होगा, और दही है साथ में, धनिया का पत्ता है, मिर्ची है, तो मतलब टेस्टी ही होगा, नो डाउट। तो इसके लिए तुम मतलब निश्चिंत रहो कि ये खराब होगा, अच्छा होगा। चलो, तो मैं अब फ्रेश हो लेती हूँ क्योंकि अब हमारा डिनर का टाइम हो गया है। तो मैं फ्रेश हो के जरा आपको इनका रिएक्शन बताती हूँ कि क्या रिएक्शन है खा के, ठीक है? ओके, तो मनी बताइए कैसा लग रहा है।
कैसा लग रहा है मेरे हाथों का बनाया हुआ आलू का रायता? सच बताऊं? तो मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। सच बताऊं? हाँ, नमक ज्यादा है, अच्छा नहीं लगा। नहीं अच्छा है, बना है। मैं वैसे मजाक कर रहा था, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। मनी आप बहुत डराते हो, ठीक है ना। मुझे सबसे पहले पहला शक जाता है नमक ज्यादा डला है या फिर नमक नहीं डला है। तो आज फिर से अंजलि ने एक नई चीज ट्राई की है और मुझे भी खाने को मिल रहा है। पहली बार खा रहा हूँ मैं ये आलू का। इससे पहले इन्होंने वो कद्दू वाला बनाया था, वो तो बहुत ही ज्यादा। कद्दू का भी बनता है और बूंदी का भी बनता है, सेविया का भी बनता है। सेवियों नहीं खाऊंगा। वो वाला जो बेसन का नहीं होता, ओके, उसका बनता है। और मिक्स फ्रूट का भी बनता है, सारे फ्रूट काट काट के, एप्पल हो गया, संतरा हो गया, अनार के दाने हो गया। अनार के दाने चाहिए ही चाहिए उसमें। वो वाला मैंने खाया हुआ है। फ्रूट वो चाट में खाते हैं ना? चाट में नहीं, नहीं मैं भी मिलता हुई। वैसे ये ना बंगाली में ये स्पेशल होता है रायता, फ्रूट वाला। तो भाई लोग बना है बहुत अच्छा। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे थोड़ा सा पता चला है अपने यूट्यूब चैनल से कि लेडीज ज्यादा है हमारे चैनल पे देखती हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लेडीज ज्यादा है। तो आज की वीडियो में ये आपका रायता तैयार होगा, बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाला, जल्दी बनने वाली चीज है। और आपके घर में बच्चे हो या कोई भी हो, बड़े हो, सबको पसंद आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ मैंने पराठे बनाए हुए हैं, परौठे बनाए हैं। ये स्पेशल परौठे हैं और किस चीज के हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे ये कैसे बनता है और इसमें क्या स्टफ किया हुआ है वो भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। और लाइक शेयर और कमेंट तो जरूरी करना और दूसरों से भी करवाना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।